What is Arv height if he is 17 meter taller than his friend Albeck, who is 153 centimeter tall? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर्व की हाइट अगर 17 सेंटीमीटर टॉलर है उसके फ्रेंड अल्बेक से जो कि 153 सेंटीमीटर टॉल है तो आर्व की हाइट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अल्बर की हाइट 153 है और उससे 17 मीटर ज़्यादा जो है आर्व की हाइट है तो 153 में हम 17 को प्लस करेंगे 153 प्लस 17 तो 7 and 3 10 1 कैरी ऑन 5 और 1 6 और 1 7 और 170 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 170 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज द हैवीएस्ट। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा भारी है ए बल्ब सी पेन डी तरबूज और डी पंख या फेदर बोलते हैं इसको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी तरबूज। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए कृष्ट ओलंपियाड से संबंधित क्लास फर्स्ट मैथ के ओलंपियाड एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। प्रीवियस ईयर के यहाँ पे सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, साथ ही इसके एग्जाम डेट और फीस क्या है ये भी हम जानेंगे। चलिए जान लेते हैं एग्जाम डेट ऑफ कृष्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास फर्स्ट एकेडमिक 24-25 के लिए। यहाँ पर दो लेवल की एग्जाम होती है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 एग्जाम की डेट है 5 दिसंबर 2024 एंड 3 दिसंबर 2024। जो भी एक डेट आपके स्कूल के द्वारा चूज की जाती है या आप ऑनलाइन अगर एग्जाम देते हैं तो जो डेट आप चूज करते हैं उस डेट पर यहाँ पर लेवल फर्स्ट की एग्जाम होगी एंड लेवल 2 की एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो लेवल 1 में पास हो जाते हैं और उनकी एग्जाम 7 फरवरी 2025 को होगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इट इज द एडवाइजर टू रजिस्टर फॉर एग्जाम बिफोर नवम्बर। नवम्बर के पहले पहले तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। लेवल 1 एग्जाम की आंसर की आपको 26-27 दिसंबर तक इसकी साइट पर दिख जाएगी और लेवल 2 के आंसर की जो है 11-12 फरवरी 2025 तक इसकी आपको शो हो जाएगी। साथ ही हम जानेंगे लेवल 1 का रिजल्ट जो है जनरली आपका द रिजल्ट अनाउंस विद इन मंथ टाइम आफ्टर द लास्ट आंसर की डेट। लास्ट मंथ में जब एग्जाम होती है उसके लास्ट में आ जाती है एंड लेवल 2 का रिजल्ट टिपिकली द रिजल्ट आर अनाउंस विद इन मंथ आफ्टर फाइनल आंसर की रिलीज। एग्जाम फीस 225 रुपीज फॉर स्टूडेंट स्टडिंग एंड एनरोल फॉर इंडिया। इंडिया के स्टूडेंट के लिए 225 रुपया यहाँ पर फीस लग रही है। आगे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कृष्ण ओलंपियाड के बारे में आप जो भी डिटेल्स जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मैं आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। चलिए इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके साथ पहले मैं शेयर कर देती हूँ, फिर इसके लिए आपके पास हम सिलेबस लेकर आएंगे। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देख लेते हैं। ये कृष्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास फर्स्ट सेट 1 का पेपर है 2024-25 में। किस तरह के क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स 45 रहते हैं। 10 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा इनको टाइम दिया जाता है OMR सीट फिलअप करने के लिए। यहाँ पर टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं जो दो सेक्शन में बटे रहते हैं। एक हो जाता है प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स एंड दूसरा अचीवर सेक्शन। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें पर मार्क्स 1 रहता है एंड 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स इच क्वेश्चंस के रहते हैं अचीवर सेक्शन से। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है बच्चों की। देयर आर ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन इज द गिवन आंसर। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से एक ऑप्शन को बच्चों को 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन पर बच्चों को टिक लगाना होता है। नेक्स्ट है यूज HB पेंसिल बॉल पेन या ब्लू या ब्लैक ओनली मार्किंग करेक्ट चॉइस ऑफ द आंसर एंड OMR सीट। OMR सीट में आपको ये
करेक्ट क्लिक करना होता है, या एचबी पेंसिल या बॉल पेन से आप यूज कर सकते हैं। रफ के लिए यहाँ पर आपको अलग से जगह दी रहती है, वहाँ पे आप रफ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस तरह के बुकलेट आपको मिलते हैं जिसमें कैंडिडेट नेम, क्लास और सेक्शन लिखना होता है। क्रिस्ट आईडी, जो आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक आपको आईडी मिलती है, वो यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ दिस कैन बी बाउट फॉर एग्जैक्टली 50 सेंट। 50 सेंट से इसमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको खरीदा जा सकता है। ए नूडल्स एंड फ्रेंच फ्राई, तो नूडल्स हो गया 50 सेंट एंड फ्रेंच फ्राइज है 50, तो 40 प्लस 15 यहाँ पर हो जाता है 55, जबकि हमारे पास क्या है 50 सेंट है। नेक्स्ट है आइसक्रीम एंड बर्गर, आइसक्रीम आपकी हो जाती है 35 सेंट एंड बर्गर 20, तो ये भी हो जाता है 55। नेक्स्ट सी आइसक्रीम एंड फ्रेंच फ्राई, आइसक्रीम आपकी हो जाती है 35 एंड फ्रेंच फ्राई हो जाती है आपकी 15, तो 35 प्लस 15 हमारा हो जाता है 50। ये हो गया आपका 5 5 10, 1 कैरी ऑन, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हमारा हो जाता है 5, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली 50 सेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द इमेज एंड सब्सट्रैक्ट। ये इमेज दिया गया है, यहाँ से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, इतने इमेज में से इतने को माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा है 14, और यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 11, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हमने क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास कितना बच रहा है 1 2 3 हमारे पास बच रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मोर सर्कल आर देयर देन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स से कितना ज्यादा सर्कल है, सर्कल हमारा कितना हो रहा है 1 2 3 4, सर्कल हमारा 4 है और ट्रायंगल हमारे पास क्या आ रहा है 1 एंड 2, तो सर्कल से ट्रायंगल कितना ज्यादा है, इसमें हम माइनस करेंगे तो 2 ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज हैज द लोएस्ट वैल्यू, इसमें से लोएस्ट वैल्यू किसकी है, तो चलिए इसको हम माइनस करके देख लेते हैं कि लोएस्ट वैल्यू किसकी है। 96 में से 17 को हमको माइनस करना है, तो इधर से हम एक ले लेते हैं कैरी ऑन, ये हो गया हमारा 8, तो 16 माइनस 7 9, और 8 में से 1 गया 7, तो ये हमारा हो जाता है 79। नेक्स्ट है 88 में से 23 को माइनस करना है, 88 में से 23, 8 में से 3 गया 5 और 8 में से 2 गया 6। नेक्स्ट हो गया 92 में से 13 को माइनस करना है, तो इधर 1 कैरी ऑन लिए, तो 12 में से 3 गया 9 और 9 में से 1 गया 8, ये हो गया हमारा 89, ये क्या हो गया 89। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा है 65 और यहाँ 85 में से 19 को हमको माइनस करना है, तो इधर हम 1 कैरी ऑन ले लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 9 के 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 6 और 8 में से 1 गया 7, ये हो गया 76, सो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, 65 इज द लोएस्ट वैल्यू, इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
विच फिगर विल कम इन द प्लेस ऑफ व्हाट, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर आएगा। चलिए यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, थ्री ट्रायंगल यहाँ पर हो रहा है, फिर सर्कल है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा ट्रायंगल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द नंबर रिप्रेजेंट इन द एबेकस। एबेकस के में ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, हंड्रेड के जगह पर ये थ्री हो रहा है, थाउजेंड की जगह पे कुछ भी नहीं है तो जीरो, और यहाँ पे हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया फाइव, तो 305 यहाँ पे कौन सा है, तो 305 305 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द आइटम कैन बी बाउट फॉर एग्जैक्टली 35 सेंट। 35 सेंट में हम किस कौन सा ऑब्जेक्ट खरीद सकते हैं। इससे पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं, तो आप बच्चों इसे खुद सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द पिक्चर्स। इस पिक्चर में कितने ट्रायंगल्स हैं, चलिए देखते हैं, वन टू थ्री फोर, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फोर ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन को ध्यान से समझेंगे। रो इज द टॉलर देन एमी इज 33। रो की हाइट एमी से 33 डिग्री ज्यादा है। इफ रो हाइट इज 128, अगर रो की हाइट 128 है तो यहाँ पर एमी की हाइट क्या होगी। यहाँ पर ऊपर हमने देखा था प्लस किया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि रो की हाइट जो है एमी से 33 डिग्री ज्यादा है और रो की हाइट जो है 128 है, तो इसीलिए इसको हम 33 को माइनस करेंगे आर्मी की हाइट जानने के लिए। तो 8 में से 3 गया 5 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में चलिए देखते हैं, में क्या अगर हम जोड़ेंगे तो 42 हमें प्राप्त होगा। तो 23 में हम 19 जोड़ते हैं, देखिए 9 प्लस 3 12, 1 कैरी ऑन, 2 एंड 3 और 1 4, 42, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 674। 674 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे, 600 प्लस 70 प्लस 4, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, समय हैज 135 सेंट विद हर बट द डॉल हैज ही वांट टू बाय कॉस्ट 185 सेंट, हाउ मच मोर मनी डज सी नीड। सेमी के पास 135 सेंट है जबकि डॉली के पास 185 है, तो उनको कितने मनी की जरूरत है। अब यहाँ पर हम 185 में से 135 को माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे 550, 8 में से 3 गया 5 और 11 क्रॉस हो गया, तो हमको कितने ज्यादा की जरूरत है, 50 सेंट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अल्बर्ट हाइट 7 केजी मोर देन हिज ब्रदर एलिम हु हाइट इज 18 केजी, तो व्हाट इज द देयर वेट ऑल टुगेदर। अगर अल्बर्ट का वेट 7 केजी ज्यादा है उसके ब्रदर लाइम के वेट से, जबकि लाइम का वेट कितना है 18 केजी, लाइम का वेट है 18 केजी और अल्बर्ट का वेट है 18 प्लस 7, ये इसका वेट है, तो 18 प्लस 7 कितने हो गए 15, 5 और 1 और 2 12,
25 प्लस 18 को हम प्लस करेंगे तो दोनों का वेट पता चलेगा, 8 एंड 5 9 10 11 12 13 13 1 कैरी ऑन 2 1 3 और 1 4 43 केजी। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 13 केजी। इस प्रकार हम इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर। इस ट्रायंगल फिगर में ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द अर्थ हाइट ऑफ 17 टॉलर देन हिज फ्रेंड अर्थ व्हाट इज द 153। चलिए ये क्वेश्चंस हम देख चुके हैं अभी एग्जांपल्स में, तो चलिए इस क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ जाएंगे। 15 एंड 16 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स 32 29 26 एंड 20। ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी पैटर्न किस तरह जा रहा है। तो 32 माइनस 3 29 23 माइनस 3 26 26 माइनस 3 क्या हो जाएगा 23 और 23 माइनस 3 20। तो यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 23। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विल बी टाइम आफ्टर 2 आवर्स एज द शोन इन क्लॉक गिवन बिलो। यहाँ पर क्लॉक में 2 बज रहा है, इसके 2 घंटे के बाद कितने टाइम होंगे और कौन सा क्लॉक ये सही टाइम शो कर रहा है, इस पे हमको क्लिक करना है। 18 ये दो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 2 घंटे के बाद 2 बजेगा तो क्या होगा, 4 बजेगा। 2 घंटा ऐड हम करेंगे, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 18। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एट द टाइम डज एलाइस ब्रश इन द मॉर्निंग। एलाइस किस टाइम पे ब्रश करेगी, ए 12 o'clock, बी 4 o'clock, सी 7 o'clock या डी 11 o'clock। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Hansel has 10 chocolate with her, of which she has given 5 to her friends. Which number of chocolate is still with her? अगर Hansel के पास 10 chocolate है और 5 chocolate उसने friends में बांट दिया तो उसके पास कितने बचे? तो यहाँ carry on है, इधर से 1 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो 10 में से 5 क्या 5, तो Hansel के पास 5 chocolates बचे हैं। Correct answer is option B. Next question number 21. Dinah went to a fruit shop to buy some fruits. She bought 12 different kinds, but 2 kinds of them were rotting. How many different fruit kinds are fresh? Dinah ने fruit market से 12 different type के fresh fruit खरीदे, लेकिन उसमें से 2 kinds them were rotting, यानी 2 प्रकार के फल जो हैं क्या हुए, सरे हुए निकल गए। उसने खरीदे कितने 12 और सरे हुए निकल गए 2, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। सो उसके पास फ्रेश फूड बचे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सेरल हैज 3 ग्रुप ऑफ 2 स्ट्रॉबेरी ईच, हाउ मेनी स्ट्रॉबेरी डज सी हैव इन टोटल। अगर इसने 2 स्ट्रॉबेरी के 3 ग्रुप बनाए, ठीक है ये 3 ग्रुप बन गए 2 स्ट्रॉबेरी के, तो टोटल स्ट्रॉबेरी कितने हो रहे हैं 2 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर 6। चलिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं 22 के ऑप्शन में 6 कहाँ पे आ रहा है, कौन से ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन बी। रिवाका वेंट टू द स्टेशनरी स्टोर एंड बाउट सम पेंसिल्स।
सी ऑर्गेनाइज इट इन टू ग्रुप बाई यूजिंग अ पेंसिल स्टैंड. हाउ मेनी पेंसिल ग्रुप्स आर देयर. रिविका ने कुछ स्टेशनरी स्टोर पर गई और कुछ पेंसिल खरीदे और उन्होंने उसे एक पेंसिल स्टैंड में ऑर्गेनाइज किया. तो यहाँ पर ये कितने ग्रुप्स बन रहे हैं बताना है. चार चार पेंसिल करके इसने तीन पेंसिल बॉक्स में रखा है, तो इस प्रकार ये तीन ग्रुप्स बन रहे हैं. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. रिबेका वेंट टू स्टेशनरी स्टोर एंड बॉट सम पेंसिल. सी ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप व्हाई यूजिंग अ पेंसिल स्टैंड. हाउ मेनी पेंसिल आर देयर इन टोटल. इसमें ग्रुप उन्होंने बनाए, टोटल पेंसिल कितने हैं, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 को अगर हम ऐड करते हैं 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12. इनको प्लस करना है तो ये हमारा आ जाएगा 12. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. फिल इन द मशीन नंबर 5, 7, 9. इनमें सीक्वेंस हो रहा है 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 11, 11 प्लस 2 13, एंड 13 प्लस 2 15, एंड 15 प्लस 2 17. क्या हो रहा है, सब में प्लस 2 ऐड हो रहा है. तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 11 एंड 15. 11 एंड 15 बी वाले ग्रुप में आ रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट अब हम देखेंगे अचीवर सेक्शन, जिससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अचीवर सेक्शन. दिस टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ट्रेवल बिटवीन टू स्टेशन इन 8 आवर्स 30 मिनट्स. ए जो ट्रेवल करता है 8 घंटे 30 मिनट्स में एक ट्रेन चलती है. द टेकन टाइम टेकन बाई ट्रेन बी ट्रेवल बिटवीन द सेम स्टेशन. बी भी सेम स्टेशन पे जाती है और वो टाइम लेती है 10 आवर्स का. तो मोर टाइम्स हाउ मच, कितना ज़्यादा लेती है. तो बी जो है यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे 8:30, ये हो जाएगा 9:30, तो 1 आवर्स हो गया. और फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये हाफ आवर्स हो गए. तो कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, बी जो है 1 आवर्स एंड हाफ, 1 घंटा 30 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा ले रहा है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी बी. एक मिनट, ऑप्शन डी बी 1 आवर्स 30 मिनट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. और टेलर हैज 50 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर वन पैंट. एक ही रिक्वायर्ड 4 मीटर ऑफ द क्लॉथ आफ्टर मेकिंग 5 पैंट. हाउ वेल क्लॉथ विल लेफ्ट हिज हैंड. अगर एक टेलर एक पैंट को बनाने में 4 मीटर लेता है और उसने 5 पैंट्स बनाया, तो कितना उसको कपड़ा लगा, 4 प्लस 5 इंटू 20. अब हमें निकालना है कि कितने कपड़े मीटर बच गए. हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थे, 50 मीटर. तो 50 मीटर क्लॉथ में से हम 20 मीटर को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 5 में से 2 गया 3, 30 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. फाइंड एक्स प्लस वाई वैल्यू. वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 3, यानी वाई में से इसमें से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा 7 में से. और यहाँ पर 9 में से किसको हम माइनस करेंगे, तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा. अब ये बोला जा रहा है ये x हम मान लेते हैं ये y है, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, तो 6 प्लस 7. क्या हमको करना है, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. सैम गोज टू पार्क एट 5 PM एंड कम्स बैक टू होम 7 PM. ही देन स्टडीज विल डिनर एट सर्व 8:30. हाउ मच टाइम ही स्टडी. मान लीजिए सैम जो 5 बजे पार्क में गया और 2 घंटे में वापस आ गया, 5, 6, 7. ही वेंट स्टडी
उसके बाद वो पढ़ने बैठ गया 7 बजे से, और डिनर वो क्या कर रहा है 8:30 में। तो 7 बजे वो पढ़ने बैठता है और डिनर हमारा हो रहा है 8:30 में। तो 7 से 8 हो गया 1 आवर्स, ठीक है, और 8 से 8:30 यानी हाफ 30 मिनट्स हो गए। ये हो गया 30 मिनट्स। तो कितना उसने पढ़ाई की, 1 hour 30 minutes। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 hour 30 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Fill in the blanks. Annie need 10 cent coin and 2 cent coin respectively by to the given object. ये पेंसिल बॉक्स है जो 34 सेंट में खरीदा गया है, तो यहाँ पर इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3 × 10 = 30, और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। तो यहाँ पर क्या हो गया 30 + 4, ये हो गया 34। तो यहाँ पर इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 और 2, 3 और 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द नंबर स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड इन द एबेकस। एबेकस में देखिए दो तरह की एक नंबर आ रही है, एक क्रॉस किया हुआ और सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया, 3 और ये 5। नंबर स्टेट रिप्रेजेंट एबेकस ये हो रहा है, एंड माइनस नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो रहा है ये 2 100 पोजीशन पे, ये 2 हो रहा है 100 पोजीशन पे, फिर ये सेम रिपीट हो रहा है तो ये हो गया 2, और यहाँ पर क्रॉस करके 5 रिप्रेजेंट हो रहा है तो 2, 2, 5। तो 4, 3, 5 - 2, 2, 5 यही आंसर ऑप्शन में हम देखते हैं। ये किस तरह रिप्रेजेंट होंगे, 31 का ये ऑप्शन है, सो ऑप्शन 4, 3, 5 - 2, 2, 5 करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ बॉल वेट 3 kg देन द वेट ऑफ हाउ मेनी सच बॉल टेकन टुगेदर इफ बी इक्वल टू वेट ऑफ 18 kg। अगर एक बॉल का दाम 3 kg है और 18 kg के बराबर अगर हमको करना है तो नेक्स्ट कौन सा बॉल लेंगे कि इक्वल होगा। तो 3, 6, 18, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निया मदर कट आउट द रिबन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ओल्ड मैट। निया आस्क 4 मोर सच रिबन फ्रॉम द सेम मैट, तो हाउ मच मोर द क्लॉथ हर मदर ही विल कट फ्रॉम द सेम मैट। निया की मदर ने एक रिबन की लेंथ 20 सेंटीमीटर कट की थी ओल्ड मैट के लिए। दुनिया ने बोला इसी तरह का 4 अदर अगर रिबन उसको चाहिए तो कितना उसको करना पड़ेगा। तो 40 × 4 अगर हम कर देंगे, सॉरी 20 सेंटीमीटर एक क्लॉथ के लिए लग रहा है एक, तो 4 के लिए हमें क्या लगेगा, 20 × 4 = 80 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मिसेज अलक ड्रू वेरियस शेप ऑन द व्हाइट बोर्ड, विच शेप हैज द मोस्ट नंबर। देखिए अब रेक्टेंगल को पहले हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3। रेक्टेंगल कितना है, 3 है, रेक्टेंगल 3 हो गया। अब स्क्वायर कितना है, स्क्वायर 1 है, यहां लिख लेते हैं, चलिए रेक्टेंगल 3 हो गया, स्क्वायर हमारा 1 है, सर्कल कितने हैं, 1, 2, 3, सर्कल हमारा है 3, अब ट्रायंगल 1, 2, 3, 4, ट्रायंगल हमारा कितना है 4। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच शेप हैज द मोस्ट नंबर, कौन से शेप का सबसे ज्यादा नंबर है, तो यहाँ ट्रायंगल सबसे ज्यादा नंबर है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रायंगल 4 साइज में है, तो ट्रायंगल इज द ऑप्शन ए ट्रायंगल।
सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 एंड लास्ट क्वेश्चन। हैरी ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ डंकी, हाउ मेनी सर्कल डू यू सी इन द इमेज। इस इमेज में कितने सर्कल दिख रहे हैं? तो चलिए देखिए, इस इमेज में हमें ये सर्कल नहीं है, मान लीजिए ओवल शेप है। सर्कल हमें सिर्फ 1, 2, 3 एंड 4 ही दिख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।